राजधानी देहरादून में 3 वर्षों से धोखाधड़ी के कई मुकदमों में फरार चल रहे 2 सगे भाइयों को एसटीएफ की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि यह दोनों भाई उत्तराखंड के पिथौरागढ़ क्षेत्र के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर दोनों पर 35,000 का इनाम भी पुलिस द्वारा रखा गया था। जानकारी के अनुसार स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करने का झांसा देकर इन दोनों भाइयों ने कई लोगों से लगभग 25 करोड़ रुपए की ठगी की है। ठगी करने के बाद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ये दोनों भाई फरार हो जाया करते थे। वहीं एसटीएफ इन्हें पकड़ने के लिए बीते 1 वर्ष से इन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उत्तराखंड एसटीएफ को इन दोनों भाइयों को पकड़ने में सफलता मिल गई है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। ये यूपीआईडीए भी है, इसमें अलग अलग मुकदमों में वांटेड थे ये, और चूंकि बर्ड्स एक्ट का कोर्ट देहरादून में है तो इनकी यहाँ से आज रिमांड लेके जुडिशियल कस्टडी में जाएंगे। ये दोनों सगे भाई हैं और काफ़ी समय से ये जगह बदल बदल के रह रहे थे और एक जगह पर एट ए टाइम 5-6 महीने रहते थे, फिर अपना लोकेशन चेंज कर देते थे। और ये पूरी तरह मैनुअल इंटेलिजेंस पे इन्होंने काम किया है। और चूंकि इनकी जो इनके फादर जो रिटायर्ड थे तो उनकी पेंशन इनके मदर के अकाउंट में आती थी, तो उस पेंशन को निकालने के लिए एक लोकेशन पे जाते थे, तो काफ़ी टाइम से मैनुअली उसकी निगरानी की जा रही थी कि कौन से किन किन एटीएम से विड्रॉ करते हैं, जब पेंशन कब आते हैं विड्रॉल के लिए, तो उस पर लगभग 1 साल से इस पर काम चल रहा था, तो अरेस्ट हो गए हैं। इसमें बेसिकली ये रहने वाले भी पिथौरागढ़ जनपद के हैं और ये वहाँ के लोगों से इन्होंने संपर्क किया और इनसे इन्होंने ट्रेडिंग शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम पर इनसे एक प्लेटफॉर्म बनाकर उसमें पैसे इन्वेस्ट कराए। टेक्नोलॉजी का भी अच्छा ज्ञान है इनको और टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करते रहे ये पुलिस से बचने के लिए। जब भगोड़े रहे हैं ये, उस टाइम भी इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करवाते थे शेयर मार्केट के नाम पे। और जब लोग कहते थे कि पैसे वापस चाहिए तो इनका कहना ये होता था कि अभी जब मुनाफा बढ़ेगा तब आपको रिफंड कराए जाएंगे पैसे। और इसके अलावा कुछ इन्होंने ज़मीन के भी काम किए हैं हल्द्वानी में, कि बयाना ले लिया कि आपको ज़मीन सेल कर दी जाएगी, वो सेल नहीं हुई, तो काफ़ी सारे मुकदमे इनके ऊपर। और जब ये पुलिस से वांटेड हुए तो फिर ये भाग गया।